तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं डॉक्टर के सिन्हा 8 क्लास का चैप्टर का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। वीडियो थोड़ा लेट से आ रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम नहीं मिल रहा है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बेसिक जो भी उसको देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आंसर देखेंगे। चैनल पर चलो कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। यहाँ पर देखिए इंट्रोडक्शन में, पूर्व कक्षा में यानी इससे जो पहले वाले कक्षे था उसमें हम लोग दंड आलेख से सूचनाओं को पढ़ना तथा दी गई सूचनाओं को दंड आलेख द्वारा प्रदर्शित करना सीख चुके हैं। यानी जो भी सूचना होता है, जो भी डाटा होता है, ठीक है, उसको किस प्रकार से प्रदर्शित करना है या फिर जो प्रदर्शित किया हुआ है उसको किस प्रकार से पढ़ा जाता है उसको हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। यहाँ हम यथा प्राप्त आंकड़े बरम्बरता वंटन या वर्गीकृत आंकड़ों तथा आयत चित्र वृत्त आलेख और प्रेक्षा के विषय में चर्चा करेंगे, ठीक है। पूर्व कक्षाओं में पढ़े गए बातों का पुनर्वलोकन यानी फिर से उसको हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। पहला में आपका दंड आलेख क्या होता है, तो जैसे कि नीचे फिगर भी है, दंड आलेख वास्तव में बराबर दूरी पर दिए गए एक समान चौड़ाई वाले क्षैतिज या फिर ऊर्ध्वाधर दंडों द्वारा संख्यात्मक आंकड़ों को निरूपित करने वाले चित्र है, ठीक है। जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं, ये इस प्रकार से चौड़ा टाइप से है ना, ये सेम बराबर दूरी पे सभी है, ठीक है। ये एक संख्या को निरूपित कर रहा है, ये 30 को निरूपित कर रहा है, ठीक है, उसी प्रकार से सभी हैं। तो ये संख्या को निरूपित कर रहा है, ठीक है, और ऊर्ध्वाधर या फिर क्षैतिज हो सकता है, यानी लंबा या फिर इस प्रकार से पड़ा भी हो सकता है, खड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये निरूपित करने वाले चित्र हैं। दंड आलेखों को केवल देख कर ही हम बहुत सारे निष्कर्ष निकाल लेते हैं तथा आंकड़ों को आसानी से समझ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखने से पता चल सकता है सबसे छोटा, सबसे कम और सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। तो उदाहरण यहाँ पे 1981 में भारत के 5 महानगरों की जनसंख्या का दंड आलेख है, 5 महानगरों की, ठीक है। तो ये सभी का महानगरों का नाम लिखा हुआ है, तो हम आसानी से बता सकते हैं किस महानगर की जनसंख्या कम है और किसकी ज़्यादा है, ठीक है। दूसरा में होता है द्यू दंड आलेख यानी डबल दंड आलेख होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए डबल दंड आलेख है, ठीक है ना, ये डबल है, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है डबल द्यू दंड आलेख, ठीक है। तो आंकड़ों को दो समूहों को एक साथ दर्शाने के लिए द्यू दंड आलेख का प्रयोग किया जाता है। दो समूहों को एक साथ दर्शाने के लिए द्यू दंड आलेख का एक नीचे उदाहरण है। यहाँ पे आयात और निर्यात 1 करोड़ों में है, ठीक है ना, 1000 करोड़ों में यहाँ पे है, और यहाँ पे आपात आयात और निर्यात यहाँ पे एक ही साथ दोनों दर्शाया हुआ है, ठीक है। 1982 से 1983 में जो आयात और निर्यात है वो कितना, आयात है इतना 12 और ये निर्यात है कितना, 8 से ऊपर यानी 8.5, ठीक है। तो इसी प्रकार से सभी यहाँ पे है। विभिन्न वर्षों का भारत को के आयात निर्यात के आंकड़ों का दंड आलेख आंकड़ों का, ठीक है, ये ऊपर में दिया हुआ जो है। अब आंकड़ों का संगठन क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए साधारणतः उपलब्ध आंकड़ों का असंगठित रूप में होते हैं। जो भी डाटा होते हैं वो असंगठित रूप में होता है, ठीक है, जिनसे निष्कर्ष निकालने में कठिनाई होती है। ऐसे ही कोई डाटा दिया जाए तो उससे निष्कर्ष निकालने में कठिनाई होगा, तो उसको हम लोग अच्छे से सजाएंगे, वही तो है, उसको प्रबंधन करेंगे, ठीक है, जैसे कि आपका चैप्टर कोई नाम है। तो अतः आंकड़ों को एक क्रमबद्ध रूप में लिखने की जरूरत होती है या फिर बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में, ठीक है। यथा प्राप्त आंकड़े किसको कहते हैं, तो जो भी हमारे पास डाटा होगा, 2, 4, 6, 8 विभिन्न प्रकार के डाटा होगा, वो कुछ भी हो सकता है, किसी की हाइट हो सकती है, ठीक है, या फिर किसी के मार्क्स हो सकती है मैथ में, केमिस्ट्री में, ठीक है। तो इस प्रकार से डाटा हो सकती है, ठीक है। तो यथा प्राप्त किसी निश्चित उद्देश्य से किसी विषय से संबंधित सजातीय प्रश्नों के प्रविष्टि के संग्रह को यथा प्राप्त आंकड़े कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको जो भी, जैसे किसी की लंबाई दिया होगा, किसी का अंक, किसी का मार्क्स दिया होगा, ठीक है, नंबर किसी विषय का या फिर उसका एग्ज़ाम का, तो वो जो टोटले होंगे वो यथा प्राप्त आंकड़े होंगे, ठीक है। तो उसको जैसे दिया होगा उसको बोलेंगे, या फिर उसको हम लोग ऐसे आंकड़े को अवर्गीकृत आंकड़े बोलेंगे, क्योंकि वो वर्गीकृत अभी नहीं है, अभी उसको हमने कुछ किया नहीं है, ठीक है ना। उदाहरण के लिए यहाँ पर अष्टम वर्ग के आपके सेक्शन के 30 विद्यार्थियों के छमाही परीक्षा में 100 अंक के गणित के पर्चा में आज तक कैसा रहा है, यह जानने के लिए, अर्थात सबसे कम और सबसे अधिक कितना है, ठीक है, ये सब जानने के लिए कितने असफल रहे, कितने समान अंक प्राप्त किए, ये सब आदि, ठीक है। उनके द्वारा प्राप्त अंकों को प्रत्येक छात्र से पूछकर एक कागज पर उसको अंकित करते हैं जो निम्नलिखित है। तो जो हमने अंकित करेंगे वो एक यथा प्राप्त आंकड़े होंगे या फिर अवर्गीकृत आंकड़े होंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ऊपर में दिया
किसी का 75, किसी का 48, किसी का 60, इस प्रकार से है, ठीक है। तो उपर्युक्त उदाहरण में प्रत्येक प्रविष्ट एक अंकिक तथ्य है जिसे प्रेक्षण का बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग प्रेक्षण बोलेंगे, इसको भी, इसको भी, इसको भी, ठीक है। और ये एक प्रेक्षण है, जैसे 75 एक प्रेक्षण, 48 एक प्रेक्षण, आदि प्रेक्षणों के संग्रह जो होते हैं, यानी ये टोटली जो समूह है ना, उसको हम लोग यथा प्राप्त या फिर अवर्गीकृत आंकड़े बोलेंगे, ठीक है। यथा प्राप्त आंकड़ों से निष्कर्ष निकालने में कठिनाई होती है, ठीक है। ऐसे हम बता नहीं सकते किसका ज़्यादा किसका कम, क्योंकि जिधर तिधर है, ठीक है ना। इसको हम लोग अच्छे से इसको प्रबंधन करेंगे, सजाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से आसानी नहीं होता, ठीक है। तो अतः ये असंभव है, ठीक है ना, उनका अध्ययन निष्कर्ष निकालने में। यदि इस प्रकार के आंकड़े संख्या में अधिक हो तो उनका अध्ययन संभव असंभव हो जाता है। अतः यथा प्राप्त आंकड़े को आरोही क्रम में, यानी कि बढ़ते क्रम में, या फिर अवरोही यानी घटते क्रम में सजाकर अध्ययन करते हैं। यथा प्राप्त आंकड़ों को जब हम आरोही या फिर अवरोही क्रम में लिखा जाता है तो उसे विन्यस्त आंकड़े कहते हैं, जो कि ये सब जो भी टर्म है ना, उसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे दिए गए उदाहरण में प्राप्त आंकड़ों को अवरोही क्रम निम्न प्रकार से लिखा गया, ठीक है। इस जो ऊपर में था ना, उसको यहाँ पे बढ़ते घटते क्रम में, अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में, जैसे 95, फिर 90, फिर 75, इस प्रकार से घटते क्रम में लिखा हुआ। सबसे छोटा की बात करें तो 18, सबसे बड़ा तो यहाँ पे 95 आसानी से हम लोग बता सकते हैं। या फिर इसको बढ़ते क्रम में भी लिखा जा सकता है, तो ये सबसे कम है और ये सबसे बड़ा है, ठीक है। तो ये होता है, इन प्राप्त अंकों को देखने से पता चलता है कि उच्चतम प्राप्त अंक 95 और न्यूनतम 18 है, ठीक है। अब बराबरता बंटन हमने पहले भी देखा है, बराबरता बंटन यानी कि यहाँ पे देखेंगे कि जो 18 है वो कितने बार आया है, ठीक है। तो 18 यहाँ पे दो बार आया, तो 18 के बराबरता कितना हो जाएगा, 2। तो हम लोग एक एक कॉलम बनाएंगे इस प्रकार से, और यहाँ पे मार्क्स लिखेंगे और यहाँ पे बराबरता लिखेंगे, और यहाँ पे 18 कितना आया, 2 बार आया था, ठीक है। तो ऐसे जो सिंपल बनाएंगे वो बराबरता बंटन है, ठीक है। तो किसी परीक्षा में 100 अंकों के हिंदी के पर्चा में इस प्रकार से 30 सहपाठियों द्वारा प्राप्त अंकों के यथा प्राप्त आंकड़े निम्नलिखित है। ये यथा प्राप्त है मतलब कि अवर्गीकृत है, ठीक है। तो उपर्युक्त जो भी यथा प्राप्त आंकड़े हैं उनको व्यवस्थित रूप में निम्न प्रकार से सजाया जा सकता है। यहाँ पे एक अवरोही और एक आरोही क्रम में यहाँ पे सजाया हुआ है, ठीक है। उपर्युक्त जो भी विन्यास आंकड़े, अब उसको जब हम लोग अवरोही या फिर आरोही क्रम में सजा दिए तो उसको क्या बोलेंगे, विन्यास आंकड़े बोलेंगे, ठीक है। तो जो भी विन्यास आंकड़ों को देखते ही पता चलता है कि कुछ छात्रों का प्राप्तांक एक ही है ना। आसानी से कहा जा सकता है कि 4 छात्रों ने 60 अंक प्राप्त किया, अपने पीछे आप पीछे देख सकते हैं, 3 छात्रों ने 50 अंक प्राप्त किया, 2 छात्रों ने 42 अंक प्राप्त किया, ठीक है, आदि। किसी आंकड़ा में कोई विशेष परीक्षण जितनी बार आता है उसे उसकी बराबरता कहते हैं। उपर्युक्त उदाहरण में 70 की बराबरता 1 है, 60 की बराबरता 4 है, तथा 50 की बराबरता 3 है, आदि, ठीक है। यह क्रिया सभी परीक्षणों के साथ करने पर सुव्यवस्थित वितरण प्राप्त होगा। अतः यथा प्राप्त आंकड़े को निम्न निम्नतम परीक्षण में से आरंभ कर उच्चतम परीक्षण, या फिर उच्चतम परीक्षण से आरंभ कर निम्नतम परीक्षण तक प्रश्नों को के पदों को बराबरता के साथ व्यवस्थित वितरण बराबरता बंटन कहते हैं। यानी कि हम लोग घटते क्रम बढ़ते क्रम में देखें, घटते क्रम में लिखना है तो हमें सबसे बड़ा से शुरू करना पड़ेगा, और घटते बढ़ते क्रम में लिखना है तो सबसे छोटा से लिखना पड़ेगा, ठीक है। साथ में उसका मतलब जो कितना बार वो आया वो भी लिखेंगे इस प्रकार से कॉलम बनाकर, ठीक है। तो वो बराबरता बंटन होगा, ठीक है। जैसे हम लोग उसको भी देख लेंगे कि इसको बराबरता बंटन, जैसे नीचे लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो उसको ऐसे बोलेंगे। ऐसा सारणी जिसमें आंकड़े के परीक्षण के पदों की संगत बराबरता के साथ लिखे गए हैं उसे बराबरता बंटन सारणी बोलते हैं, ठीक है, या केवल बराबरता सारणी कहते हैं, ठीक। इस प्रकार 30 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक निम्नलिखित बराबरता सारणी प्राप्त होते हैं। जैसे कि 30 छात्रों द्वारा यहाँ पे प्राप्त है, यहाँ पे 30 छात्र हैं, इस टोटल को क्योंकि 8 अंक प्राप्त किए हैं ना, वो कितना छात्र है, टोटल 1 छात्र है, तो यहाँ पे साथ में ये बराबरता उसको बोलेंगे, तो ये बराबरता है, यानी जितना बार जो परीक्षण आता है उसको बराबरता बोलते हैं। 12 एक छात्र है, यहाँ पे देख रहे हैं तो 28 जो है वो 3 छात्र ने लाया है, 35 जो है 3 छात्र ने लाया, टोटल 30 विद्यार्थी इसको गिनेंगे तो 30 ही आएगा, क्योंकि एक विद्यार्थी सिर्फ 8 है, उसी प्रकार से सभी है, तो 1, 2, 3, 4, 3, 7, 8, 9, 10, 10, 3, 13, 13, 1, 14, ये 14 विद्यार्थी हैं, और 14, 15, 16, 2, 18, 19, यहाँ पे 20, 22, 23, 24, 24, 4, 28, 29, 30, यहाँ पे 30 विद्यार्थी टोटल हो जाते हैं, ठीक है।
उपर्युक्त सारणी से बिना गिनती के यह बताया जा सकता है कि कितने छात्रों ने अमुक अंक प्राप्त किए। यदि हम जानना चाहते हैं ना कि 70 अंक कितने छात्रों ने प्राप्त किया, तो यहाँ पे देखेंगे 70 अंक एक ही छात्र ने प्राप्त किया। आसानी से हम लोग ऐसा करने से इजीली सब कुछ बता सकते हैं, ठीक है। तो एक छात्र है, मिलान चिन्ह के बारे में अब हम लिया ऊपर में जो भी समझ लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी था हमने ऊपर तो क्लियर कर लिया। अब यहाँ पे मिलान चिन्ह की बात आती है, यानी टैली चिन्ह बोलते हैं। तो जैसे एक लिखना हो तो मिलान चिन्ह ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। दो लिखना हो तो ये दो ऐसे पाई खींचेंगे, तीन लिखना हो तो ऐसे तीन खींच देंगे, चार लिखना हो तो चार खींच देंगे। लेकिन जब पाँच लिखना होता है तो चार ऐसे खींचने के बाद इस प्रकार से ऐसे काटा जाता है, ठीक है। पाँच हो गया, छः खींचना तो एक और खींच देंगे छः, फिर सात खींचना हो तो दो और खींच देंगे सात, पाँच पाँच ऐसे ही लिखा है, ठीक है। दस लिखना हो तो इस ऐसा ऐसा दो बार लिखेंगे, पाँच पाँच दस हो जाएगा, ठीक है। फिर उसी प्रकार से और भी लिखा जा सकता है। जब प्रश्नों की संख्या बड़ी हो तो आंकड़ों को गिनकर बारंबार तक ज्ञात करना असुविधाजनक होता है, ठीक है ना, मतलब होता है। ऐसी स्थिति में सुविधा के लिए मिलान चिन्हों यानी टैली मार्क्स का उपयोग किया जाता है। गणना में सुगमता के लिए मिलान चिन्हों को प्रायः पाँच पाँच के समूह में अंकित किया जाता है। मिलान चिन्हों के प्रयोग से कम होने की संभावना रहती है। बारंबारता सारणी बनाते समय प्रेक्षण के प्रत्येक पद के लिए खड़ी रेखा अर्थात इस प्रकार से है ना एक चिन्ह देते हैं, जब किसी प्रेक्षण के संगत पद के लिए चार खड़ी रेखा तो इस प्रकार से बन जाती है। तो पाँचवीं के लिए यहाँ पे एक तिरछी रेखा खींचे जो पहली चार खड़ी रेखाओं को काटती है इस प्रकार से, ठीक है, के रूप में खींचे जाते हैं। फिर छठी रेखा के लिए पांच के समूह में से थोड़ा हटकर एक खड़ी रेखा खींची जाती है, अर्थात सात के लिए यहाँ पे इस प्रकार से निशान अंकित करते हैं, इसी प्रकार से अन्य के लिए भी करते हैं। जैसे कि उदाहरण दिया, प्रतिदिन होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या अध्ययन करने पर 30 दिनों को प्राप्त प्रेक्षण इस प्रकार से 30 दिनों का है, ये आप गिन सकते हैं 30 दिनों का टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 20, 10, 30 इस प्रकार से 30 है। और तीसों को यहाँ पे इस प्रकार से बारंबारता वनटन लिखा हुआ ना, तो यहाँ पे 0 दुर्घटना मिलान चिन्ह दो बार है तो यहाँ पे 2 0 देखेंगे, ऊपर 2 बार है तो मिलान चिन्ह इस प्रकार से, और संख्या में लिखेंगे तो 2 इस प्रकार से, ठीक है। ये बारंबारता ये मिलान चिन्ह के रूप में लिखा हुआ है, सभी उसी प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है। कुल की बात किया जाए तो कुल टोटल 30 ही था ना, 30 दिनों का, तो यहाँ पे 30 दिनों का है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे 17.1 का जो भी था क्लियर हो चुका बेसिक, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं किसी प्रेक्षण के पहले हम बोल रहा है क्या, किसी प्रेक्षण के समूह में महत्तम और न्यूनतम मानों के अंतर को उसका, देखिए यहाँ पे एक चीज़ नहीं था पीछे, बट यहाँ पे देख लें कि जो भी हमारे पास सबसे उच्चतम मान जो भी आपका डाटा दिया हुआ रहेगा उसमें सबसे बड़ा मान जो होगा ना, बड़ा मान में से अगर छोटा मान को घटाएंगे ना तो घटाने पर जो आएगा उसको हम लोग परिसर बोलेंगे, ठीक है, उसको बोलेंगे परिसर, ठीक है। तो दोनों का अंतर को क्या बोलते हैं, परिसर बोलते हैं, तो अंतर को भी बोलते हैं परिसर। किसी निश्चित उद्देश्य परम में एकत्र किए गए प्रेक्षणों को, तो हम लोग किसी उद्देश्य या फिर हमें जैसे कि बात किया कि किसी का मार्क्स जानना हो तो हमने नोट कर लिया 2, 4 कोई 8 अंक प्राप्त किए, कोई 10, तो इस प्रकार से जो भी डाटा को हमने कलेक्ट किया उसको हम यथा प्राप्त आंकड़ा बोलेंगे, क्योंकि वो अवर्गीकृत होगा या फिर उसको अवर्गीकृत आंकड़ा भी कहते हैं। तो यहाँ पर यथा प्राप्त या फिर अवर्गीकृत भी आप भर सकते हैं। किसी प्रेक्षण का महत्तम मान 97 और न्यूनतम मान यहाँ पर 37 है, तो प्रेक्षण का परिसर क्या होगा, परिसर हमने बात किया कि जो महत्तम मान होता है उसमें से न्यूनतम मान घटा देंगे तो वो परिसर हो जाएगा, ठीक है। तो 97 में से ये घटाएंगे तो शायद आपका 60 आएगा ना, 7 में 7 के 0 60 ही बचेगा ना। किसी आंकड़े में कोई प्रेक्षण जितनी बार आता है, तो किसी भी जो भी डाटा हमने कलेक्ट करेगा जो भी प्रेक्षण जितना बार आएगा वो उसका बारंबारता, जैसे 5 अगर किसी हमने मार्क्स कलेक्ट किया उसमें किसी का 5 आया, किसी का 7, किसी का 8 है ना, इस प्रकार से आया, और 5 अगर 4 बार आया तो उसकी बारंबारता कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। तो ये बारंबारता यहाँ पे होगा, वो उसको बारंबारता कहते हैं। तो किसी अगर में कोई प्रेक्षण जितने बार आएगा वो बारंबारता कहलाता है। सेकंड में आपका किसी प्रेक्षण के उच्चतम मान न्यूनतम मान तथा परिसर में निम्नांकित में से कौन सा यहाँ पे सही होगा, तो हम लोग को पता है कि परिसर जो होता है ना, परिसर जो बराबर होता है यहाँ पे, परिसर बराबर जो होता है उच्चतम मान यहाँ पे पूरा नहीं लिख रहे बट उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान, ठीक है, न्यूनतम मान। इसमें रिलेशन इस प्रकार से परिसर बराबर तो कहीं पे ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, 4 है 4 में परिसर बराबर तो नहीं है ना, परिसर बराबर है भी तो यहाँ पे उच्चतम मान और न्यूनतम मान जोड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। बट यहाँ पे और भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे न्यूनतम मान को हम लोग इधर भेज सकते हैं,
यानी परिसर, परिसर और समीकरण पढ़े है ना, परिसर और न्यूनतम मान, जैसे माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा न्यूनतम मान, ठीक है, न्यूनतम मान, और बराबर इधर बच जाएगा उच्चतम मान का, उच्चतम मान, ठीक है, यानी उच्चतम मान बराबर परिसर प्लस में न्यूनतम मान, ये पहला वाला आपका सही होगा, ठीक है। अभी इसका क्वेश्चन आंसर बनाएंगे, इस प्रकार से और भी क्लियर हो जाएगा। तीसरा हम बोल रहे हैं क्या कि किसी प्रेषण का परिसर अगर 17 है ना, 17 है परिसर, 17 है, ठीक है, 17 है, और तथा प्रेषण का उच्चतम मान, यानी परिसर बराबर होता है उच्चतम मान और माइनस में न्यूनतम मान, तो मतलब हमारे पास न्यूनतम मान पूछ रहा है, ठीक है, ये न्यूनतम मान आपसे पूछ रहा है, ठीक है, तो ऐसा है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये न्यूनतम मान निकालने के लिए यहाँ पर न्यूनतम मान को इधर भेज देंगे, तो 17 और यहाँ पर माइनस में न्यूनतम मान है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस में न्यूनतम मान हो जाएगा, ठीक है, और बराबर में 38 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो 17 प्लस में है ना, इसको हम लोग इधर लाते हैं, तो न्यूनतम मान बराबर क्या बचेगा, 38 माइनस में 17, तो 17 दूनी 34, मतलब 21 बच जाएगा, ठीक है, 21 बच जाएगा, यानी न्यूनतम मान कितना आएगा, 21 आएगा, यानी कि 38 में से फिर से 21 घटाएंगे, हाँ, तो जो परिसर है वो 17 ही जाएगा, ठीक है ना, 21 घटाएंगे तो ऐसा होता है। तीसरा था ना वो, चौथा में भी वही बोला, प्रेषण का परिसर इतना, न्यूनतम मान इस बार इतना दिया हुआ, अभी उच्चतम मान नहीं दिया हुआ, तो परिसर 13.4 है, परिसर बराबर होता है उच्चतम मान, और उच्चतम मान होता है माइनस में 12.3, ठीक है, तो न्यूनतम मान यहाँ पे प्लस में, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, और उच्चतम मान निकल जाएगा, 13.4 है प्लस में 12.3 हो जाएगा, बराबर में उच्चतम मान निकल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों को जोड़ देंगे, 4 3 7 पॉइंट के पॉइंट, और 3 2 5 और 2 25.7 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब निम्नलिखित आंकड़ों का परिसर लिखे, यहाँ पे इस प्रकार से चारों चारों को आप बना सकते हैं, इसलिए हमने पहला को अगर देखें तो सबसे उच्चतम मान में से न्यूनतम को घटाएंगे परिसर हो जाएगा, तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो उच्चतम मान कौन सा है, इसमें सबसे बड़ा देखें तो यहाँ पे 15 आता है, तो 15 उच्चतम मान से न्यूनतम घटाएंगे तो न्यूनतम इसमें 3 है, सबसे छोटा 3 है ना, 3 तो कितना आया, 12, यानी 12 परिसर होगा, तो इसी प्रकार से इसमें सभी में से आपको बना लेना है, ठीक है। 6 में बोला है यदि बारंबारता 12 हो तो संगत मिलान चिन्ह लिखना है, 12 हो तो हम लोग को लिखना है, तो सबसे पहले 5 5 इस प्रकार से लिखेंगे, 4 को काटेंगे 5, फिर से 4 को काटेंगे तो 10, और फिर 2 खींच देंगे, 12 हो गया ना, तो इस प्रकार से लिखना है। 9 बोल रहा है कि इस प्रकार से लिखा जाएगा, तो पहले तो 5 लिख लेना, फिर 4, 1 2 3 4, 5 4 9 हो गया ना। निम्नांकित मिलान चिन्हों को संगत बारंबारताएं लिखना है, तो इसकी 4 है तो 4 लिखाएगा, 5 और 2 कितना होगा, यहाँ पे 7 है तो 7 होगा, 5 5 10 और 3 13, तो इसका 13 हो जाएगा, इसका 1 है तो 1 ही होगा, और 5 10 15 इसका हो जाएगा, और ये 3 है तो 3 ही होगा, ये तो सब ईजी है ना। निम्नलिखित आंकड़ों में 3 के बारंबारता, यानी 3 कितना बार आया, ठीक है, तो देखते हैं 1 2 3 को हम देख रहे हैं ना, 3 एक बार आया, 2 बार आया, और यहाँ पे 3 बार, 4 बार आया, तो 3 की बारंबारता कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन में बोला निम्नांकित आंकड़ों में 7 की बारंबारता क्या, तो 7 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार आया, ठीक है, तो 7 की बारंबारता 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है निम्नांकित आंकड़ों 25 और 13 की जो बारंबारता है उसके अंतर तथा योगफल लिखना है, ठीक है, तो 25 और 13 का जो भी बारंबारता आएगा, सबसे पहले 25 का बारंबारता 4 आएगा, देखेंगे 25 4 बार आता है, 1 बार आया यहाँ पे, 2 बार, 3 बार, और 1 4 बार आया, और 13 की बारंबारता भी 4 बार आएगा, आप देख सकते हैं 13 भी 4 बार है, 1 बार यहाँ पे, 2 बार, 3 बार, और 1 4 बार है, ठीक है। दोनों का सबसे पहले अंतर देख लेते हैं, तो 0 जो कि पहला में, दूसरा में योगफल, तो 4 4 8 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन में बोला निम्नलिखित में महत्तम बारंबारता वाले चर का मान, महत्तम बारंबारता यानी सबसे ज़्यादा कौन, मतलब कौन ज़्यादा बार आया है, तो यहाँ पे देखते हैं 11 सबसे ज़्यादा बार दिख रहा है, यहाँ पे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 11 दिख रहा है, तो इस सबसे इसको जानने के लिए सबसे पहले हम एक बारंबारता 1 टन ही बना लेंगे ना, उससे आसानी से पता चलेगा सबसे ज़्यादा बार कौन आया, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसको चाहे तो सजा भी सकते हैं आप लोग, घटते क्रम बढ़ते क्रम, फिर डायरेक्ट बना लेंगे, इसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ऐसे डायरेक्ट बना लेना, इस प्रकार से 2 1 बार आया 3 ये आया, सबसे मतलब घटते क्रम ही बढ़ते क्रम ही लिखना है, 2 फिर 3 फिर 6 फिर 8 फिर 11 15 20 25
हमने यहाँ पे बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है, आप घटते क्रम में भी लिख सकते हैं, ठीक है, चाहे जैसे भी क्रम में लिखेंगे आप इजीली बता सकते हैं ना। यहाँ पे सबसे छः आया ना, सबसे छः बरम बढ़ता किसका, मतलब बोल तो रहा क्वेश्चन महत्तम बरम बढ़ता वाले, तो सबसे ज़्यादा बरम बढ़ता ये है, इसकी जो संख्या कितना 11 है, तो आपका 11 आंसर होगा ना, इसका मान चार मान, तो 11 आंसर होगा, ठीक है, तो महत्तम बरम बढ़ते वाले 4 11 आपका आंसर होगा। अब यहाँ पे 13 नंबर में बोला निम्नलिखित में न्यूनतम बरम बढ़ते वाले 4, वही क्वेश्चन है, इसमें सबसे कम बार कौन आता है, तो इसको उसी प्रकार से बरम बढ़ता 1:1 आ लगेगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे एक बार आया है, कौन आया है भाई, यहाँ पे 4 कौन है, 19 है, तो न्यूनतम बरम बढ़ता वाले 4 कौन सा, 19 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो किसी कक्षा में निम्नलिखित आयु के छात्र हैं, 14 नंबर में निम्नतम आयु वाले छात्रों की बरम बढ़ता बताएं, सबसे कम आयु वाले बरम बढ़ता बताना है, जो सबसे कम आयु वाला है ना उसको, तो सबसे पहले इसके प्रकार से बांटन बना लेना, इस प्रकार से बना सकते हैं या फिर खड़ा भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूनतम आयु हमारे पास सबसे कम किसका है, तो 11 वर्ष है, ठीक है, और 11 वर्ष की बरम बढ़ता पूछ रहे ना, जो न्यूनतम आयु उस छात्रों की बरम बढ़ता बताए, तो 11 वर्ष कितना, 8, उसकी बरम बढ़ता 8 है, तो न्यूनतम आयु वाले छात्रों की जो बरम बढ़ता होगा वो होगा 8 होगा। किसी यहाँ पे बोल रहा है 15 में किसी वर्ष के अगस्त में पटना में 7 दिन में हुई वर्षा के आंकड़े इस प्रकार है, 7 दिन में जो वर्षा हुआ देख सकते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 4 5 6 7 8, ठीक है, लेकिन बोल तो रहा है 7 दिनों में ना, तो यहाँ पे दिनांक पहले 14 तारीख 15 तारीख 2 दिन 3 4 5 6 7 8 दिन का दिया हुआ, लेकिन यहाँ पे ठीक है ना, तो 14 तारीख 15 तारीख इस प्रकार से दिया हुआ, बट कोई नहीं, बोल क्या रहा है क्वेश्चन में इस प्रकार से, वर्षा का अधिकतम और न्यूनतम मान क्या है, अधिकतम मान यहाँ पे देखें वर्षा, तो यहाँ पे वर्षा यहाँ पे मिलीमीटर में दिया हुआ है 3.4 मिलीमीटर, तो सबसे ज़्यादा देखें तो यहाँ पे 26 है ना, 26.3 सबसे ज़्यादा दिख रहा है, और सबसे कम अगर देखें तो यहाँ पे 0.2 ही दिख रहा है, 0.2 से छोटा सा और को है नहीं, तो ये आपका हो जाएगा। और उसके बाद बोल रहा है सेकंड में उपर्युक्त आंकड़ों का परिसर निकालना, तो परिसर यानी सबसे ज़्यादा में से सबसे छोटा को हटाएंगे, तो सबसे ज़्यादा ये है 26.3, सबसे कम 0.2 है, तो सबसे परिसर बराबर होता है अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, ठीक है, तो यहाँ पर अधिकतम मान 26.3 है और कम वाले जो 0.3 घटाएंगे तो कितना आएगा 26.3 में से 2 जाएगा 1 पॉइंट, तो पॉइंट दिए यहाँ पे, और यहाँ पे 0 तो घटेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 26 उतार देंगे, मतलब इतना मिलीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में बोला एक पासे को 25 बार फेंकने पर निम्नांकित समांक आंकड़े प्राप्त हुए, 25 बार फेंकने पर, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक बार 5 है, एक बार 4 है, एक बार 3, एक बार 2, इस प्रकार से 25 बार लिखा हुआ, ठीक है, 25 पे इसको सबसे पहले बरम बढ़ता 1:1 ही बनाएंगे, ठीक है, बोल के अरे आंकड़े प्राप्त हुए हैं, ठीक है, इस प्रकार से, तो एक पास को 25 बार फेंकने में निम्नांक समांक इस प्रकार से हुआ, ठीक है, तो बरम बढ़ता 1:1 बोल रहा होगा बनाने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखना है, पहले हम लोग घटते क्रम या बढ़ते क्रम में लिखेंगे, तो पहले एक है, एक देखेंगे कितना बार है, 5 बार, तो मिलान चिन्ह 5 लिख देंगे और यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, फिर 2 कितना बार आया, 5 बार, तो 5 बरम बढ़ता, ठीक है, तो इस प्रकार से सभी को बनाना है। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है परीक्षा में 32 विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए समांक आंकड़े इस प्रकार से दिया हुआ, 32 विद्यार्थी है, ठीक है, आप गिन सकते हैं, टोटल 32 बार लिखा होगा, बरम बढ़ता वंटा बनाएंगे, बोल तो रहे ना इसमें, इनके बरम बढ़ता सारणी बनाना है, तो सिर्फ बरम बढ़ता सारणी बनाएंगे, तो मिलान चुन को हम ऐड कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे बुक में बोल रहा है कि इसको लिखना है बरम बढ़ता वंटन में, ठीक है, तो 4 जो 48 कितना बार है, 4 बार, तो 4 लिखा होगा, उसी प्रकार से सभी है, जितना बार आया इस प्रकार से मिलान से लिखना और बरम बढ़ता वो जितना बार आया, ठीक है, जैसे 73 आया यहाँ पे 2 बार, तो 2 बार, 69 यहाँ पे आया 7 बार, तो 5 भी है, 5 2 7 7 बार, 7 लिखा हुआ है, कुल आपको यहाँ पे लिखना 32 विद्यार्थी थे, तो 32 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वहाँ पे हमने क्वेश्चन को पूरा नहीं लिया हुआ, ठीक है, 17 नंबर में तो आपका जो बोल रहा है वो इतना ही है, इनका बरम बढ़ता सारणी बनाया, ठीक है, लेकिन 18 नंबर में बोल रहा है कि किसी गांव के 20 बार परिवार के सदस्यों की संख्या इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है, तो बोल रहे क्या है, इन आंकड़ों के लिए बरम बढ़ता सारणी बनाए जैसे कि बना हुआ है, ठीक है, तो सारणी बना लेना आपका घटते क्रम में बढ़ते क्रम में, तथा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर भी लिखें, ठीक है, सबसे छोटे परिवारों का क्या आकार है वो लिखना है, तो आपका यहाँ पे सबसे छोटे परिवार, यहाँ पे परिवारों के 20 सदस्य, तो यहाँ पे देख रहे सबसे छोटे परिवार का क्या आकार क्या है, ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटे परिवार का आकार क्या है, तो यहाँ पे देखिए या इस सदस्यों की संख्या ये इस प्रकार से था, जो 4 यहाँ पे लिखा हुआ ना,
ये सदस्यों की संख्या है, यहाँ पे दो सदस्यों की संख्या है, ये टोटली एक ही है ना, दो हम वहाँ पे जो डाटा दिया था वो एक ही बार देखने को मिला है, तो यहाँ पे एक बार लिखा हुआ है ना, इसका मतलब कि दो सदस्यों की संख्या सिर्फ एक ही परिवार में होंगे, ठीक है ना, टोटल 20 परिवार थे ना, तो टोटल एक ही परिवार में, तो सबसे छोटा आकार यहाँ पे एक परिवार है, तो इसकी जो संख्या है वो कितना है, दो है, ठीक है, दो है। पहले हम बोला सबसे छोटे आकार का मतलब छोटे परिवार का क्या आकार है, तो वहाँ पर देखा सबसे छोटा परिवार जो आकार था वो दो है, सबसे छोटे आकार के परिवारों की संख्या कितनी है, तो सबसे छोटे आकार के जो परिवारों की संख्या है वो भी तो दो है ना। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, सबसे छोटे जो परिवार है उसका आकार है, परिवार का जो आकार है उसकी संख्या कितना है, तो यहाँ पे देखिए ये संख्या आपका रहा, ये रहा परिवारों की संख्या, यहाँ पे एक ही है ना, ये तो सदस्यों की संख्या है ना, तो सबसे छोटा आकार यहाँ पे दो हुआ, और यहाँ पे अगर बोल रहा है कि सबसे इसकी जो संख्या कितना है, तो यहाँ पे एक ही परिवार है ना यहाँ पे, तो आपका ये एक आंसर हो जाए, ठीक है। तो सबसे छोटे आकार के परिवारों की संख्या, ये सदस्यों की संख्या दो है, और यहाँ पे सिर्फ इसी यही है जो सबसे छोटा आकार का है, ठीक है, और इसमें परिवारों की संख्या कितना, एक परिवार है, ठीक है, दो वाले एक ही परिवार है ना, ऐसे से टोटल 20 परिवार हैं, तो ये आपका एक आंसर इसका हो जाएगा सेकेंड नंबर का, ठीक है। थर्ड में यहीं पर बोल रहा है अधिकांश समान परिवारों का आकार क्या है, तो अधिकांश समान परिवारों का अधिकार मतलब जो सामान्य है वो कितना है, तो यहाँ पे परिवारों का आकार ना पूछ रहा है, तो परिवारों का आकार यहाँ पे 6 देखने को मिला है, ठीक है ना, अधिकांश, तो यहाँ पे 6 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 6 ये परिवार हैं, ये सदस्यों की संख्या है ना, और उसमें अधिकांश कितना है, इसमें मतलब ये इधर क्या है आपका परिवारों की संख्या है, तो ऐसे 6 है, ठीक है, सामान्य है, अधिकांश समान परिवारों की जो आकार है वो 6 है। सबसे बड़े परिवार का आकार क्या है, सबसे बड़े परिवार, तो यहाँ पे देखें सबसे बड़ा परिवार कौन सा है, तो सबसे बड़ा परिवार आपका यहाँ पे देखें तो सबसे बड़ा परिवार कौन सा देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे 8 ही है ना, बोल रहा है क्या सबसे बड़े परिवार का आकार क्या, आकार आकार बोल रहा है, सबसे बड़ा परिवार अगर हम देखें तो यहाँ पे आकार वाले सबसे बड़ा आकार, तो आकार यहाँ पे 8 ही है सबसे बड़ा है ना, सदस्यों की संख्या 8 है तो इसके आकार बड़ा होगी ना, तो ये होगा, जैसे कि हमने फर्स्ट वाले को देखा था यहाँ पे दो आकार इसका था, ठीक है, और इसी प्रकार से यहाँ पे सबसे बड़ा आकार के परिवारों की संख्या कितनी है, सबसे बड़ा आकार वाले यहाँ पे 8 है, तो 8 के परिवारों की संख्या 3 है ना, तो 8 है, ठीक है, उसके परिवारों की संख्या कितनी है, 3 है, तो इसकी संख्या भी आंसर 3 हो जाएगा। बोला प्रश्नों का परिसर ज्ञात करना है, तो परिसर ज्ञात करना, तो सबसे बड़ा यहाँ पे जो यहाँ पे जो सदस्यों की संख्या 8 है, सबसे कम 2 है, तो 8 और 2 कितना, मतलब परिसर निकालना, तो 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, 6 आएगा, तो प्रश्नों का परिसर, ठीक है, जैसे कि परीक्षण दिया हुआ आपका, ये हमारे पास यहाँ पे परीक्षण ही था, ये टोटल परीक्षण ही है, ठीक है ना, ये सभी सबसे बड़ा कौन सा 8 है, सबसे छोटा कौन सा 2 है, तो 8 में से 2 घटाएंगे 6, तो यही में यहाँ पे सित्र पॉइंट 1 में इतना ही क्वेश्चन था, उम्मीद करते आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, चैनल मैंने जो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, तो चलिए वीडियो कंप्लीट करते, मिलते हैं आपसे अगली बार, तब तक ले जय हिंद जय भारत।